Yesterday's cool again. भाई इसे देखो, 30 मिनट बचे हैं एग्जाम के लिए और हाथ में किताब तो क्या पन्ना तक नहीं देखा। पता नहीं क्या करके आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ साला हक्के आएगा। भाई हमें क्या है, नहीं पढ़ेगा तो उसका नुकसान है। हमें तो 5 से 9 की नौकरी करनी है टॉप वाली और 15,000 रुपये सैलरी कमानी है, वो कुत्ता जाए भाड़ में। ओए कैसा है तू, एग्जाम में थोड़े ही टाइम बचे हैं और तू यहाँ पे फोन चला रहा है? हम क्या मेंटल हैं जो दिन और रात लगा रहे हैं? ऐसा क्या है तेरे इस फोन में? मेरे फुफा जी का एक प्लॉट है नसबगढ़ में 2 एकड़ का, बस उसी की पिक्स क्लाइंट को सेंड कर रहा हूँ। अगर उसे पसंद आ गई ना तो वहाँ पे फार्म हाउस बनेगा। फिर चलियो मेरे साथ नारियल पानी पीने छाता लगा के। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पढ़ भी लिया कर, वरना तेरी इस हीरोइन को कोई और ही ऋतिक रोशन ले जाएगा। यार इन कागज की सीढ़ों के पीछे मैं अपना दिमाग खराब नहीं करता, और तुझे तो पता है ना मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरा बीपी लो हो जाता है। और रही बात अगर तुझे रिजल्ट से मतलब है तो तू सीधा मुझे रिजल्ट वाले दिन मिलियो। पर जानू पर वर कुछ नहीं, जा तू अपने उन किताबी कीड़ों के पास। भाई हम बिल्कुल जहर अनपढ़ हैं, तू हमें दिखा देगा ना, हमें कुछ नहीं आता। ओह नो। हाँ भाई तुम टेंशन के ले रहे हो, तुम्हारा भाई पढ़ किसके लिए रहा है? तुम्हारे भाई ने किताब पढ़ी थोड़ी है, चाटी है 365 डेज। और मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अपनी प्यारी प्यारी औलादों के लिए, मेरा मतलब है अपने भाइयों के लिए। और अब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ना तो बस मेरे आगे खासी कर देना, तुम्हारा भाई सब दिखा देगा। क्या? अरे पेपर भाई। चलो भाई टाइम हो गया, चलो अंदर। अरे भाई कैसे खास रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से इलाज करा ले अपना। ये SST का पेपर चल रहा है, डॉक्टर ही गानी जो तेरे मुंह में दवाई दे दूंगा। एक बार और खांसी करी ना तेरी छाती वैसी लाल मारूंगा तेरे फेफड़े बैठ जाएंगे भाई। लेकिन अब टिक जा आराम से और चेक करा ले कहीं TV भी तो नहीं है तेरे को। डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। सॉरी भाई सॉरी, 5th क्वेश्चन आंसर बता दे, 5th का आंसर। आंसर तो नहीं पता मेरे को यार। भाई मेरे को पता है तुझे सब पता है, लेकिन तू बताता नहीं है हरामखोर। सर देख लो इसको, घर से पढ़कर आते नहीं, यहाँ अपनी जवानी का जलवा बिखेर रहे हैं। मेंटल हॉलीवुड का ऑडिशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, SST का पेपर चल रहा है। यार आज छुट्टी होते ही चलेंगे सिगरेट पीने। अबे तू अभी तक सिगरेट पर ही अटकाया क्या? बे बीड़ी चासेंगे वो भी फिल्टर वाली, रजनीगंधा खाएंगे और जिंदगी खराब कर लेंगे। गाइस 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 गाइस, ये लो वो मीठा करो, तू अपने जिंदगी बाद में बर्बाद करना। तुम्हारे भाई ने प्रीति को अपने प्यार में फंसा लिया। ओ तो तूने आई लव यू बोल दिया उसको? नहीं तो उसने तेरे को आई लव यू बोल दिया? वेल नॉट येट। तो भाई इन लड्डुओं को ले जा। हैं? तुम्हें शुगर हो रखी है क्या, मुझे बताया भी नहीं। अबे गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। अबे भाई जाके पहले बात तो कर, मिठाई और खुशियाँ बाद में बांटियो। और सुन, जैसे वो तुझसे बात करती है ना ऐसे स्कूल के हर लड़के से बात करती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो ज़्यादा सपने मत सजा। अबे ओ फालतू की बात मत कर तुम।
हर चीज़ का टाइम होता है, मुहूर्त होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं उसको जाके आई लव यू बोल दूँ और वो बोलेगी आई लव यू मोर। सब्र करो, मुमकिन होगा, हर चीज़ होगा। भाई मेरे को तो डाउट हो रहा है इस पर अभी भी। डाउट के बना बत्ती और डाले पीछे, समझा? खानी है तो खा, वरना अपनी मम्मी को जाके खिला दे। वैसे भी हर बार मेरा लंच खा जाती है वो। अबे वो टिंडे, मम्मी पर मत जा, खा लूंगा ये लड्डू। यार पायल, दसवीं क्लास में तेरी ना कितनी बहती रहती थी, पर आज देखो तुझे। ओलाला, इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है यार? मतलब पिकाचू से तू राइचू कैसे हो गई? ओए क्या बोल रहा है तू? पायल देख, मेरे को घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक यू यार। तू कितनी क्यूट है यार, बन जाना मेरी गर्लफ्रेंड यार। मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ, फिर आना चाहता हूँ और खूब सारा देना चाहता हूँ। क्या प्यार यार। यार मैं इंडिया गेट पे तुझे चटाना चाहता हूँ यार। क्या आइसक्रीम यार। और यार मैं चांदनी चौक पे तेरे पे बरसाना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत के गुलाब यार, बन जाना मेरी महबूबा। अजीब है। अब इसमें अजीब क्या है, उसके पास हर एक चीज़ है जो एक लड़की के पास होनी चाहिए। कान, नाक, मुंह और दो बड़े बड़े हाथ। मतलब तुझे नहीं लगता कि पायल गर्व के लिए ठीक नहीं? तूने शादी.com का बिजनेस खोल रखा है क्या, पंडित है क्या? भाई उसकी लाइफ, वो जिए कैसे मरे उनकी लाइफ है, तू बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही है? हाय राम, मैं तुझे कैसे समझाऊं, ऐसी लड़कियां लड़कों का घर खा जाती हैं। मैंने सुना है अपने मोहल्ले में ऐसी बातें। घर खा जाती है तो खा लेने देना, गर्व का खाएगी ना, तेरा थोड़ी खा रही है। यार तू समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तू समझ रहा है मेरी बात? ले बेल बज गई। हाँ चल, पता है अपने बाप को मत सिखा, बाय। भाई तेरी थाई तो बहुत मोटी है, मेरा तो कुछ और भी मोटा है, चेक कर ले। चल बे। अरे हाय चम्मक, चलो हमें भी साथ ले चलो। कितने नंबर देगा? मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगी, मैं तो माइनस में नंबर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। ये जो तुम कर रहे हो ना, असल में इसका जिक्र करना भी बहुत गंदा है। छी, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुझे थोड़ी किया है, और यहाँ की ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। चल। अबे एमएलए के लड़के हैं, ऐसा घुमा का झापड़ा दूंगा ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। मैं क्या कर रहा हूँ? ये यहाँ मुझे धक्का दे रहे हो, तुझे प्यार मोहब्बत वाली बातें सोच रही हैं? कौन धक्का दे रहा है? ये क्यों धक्का दे रहे हो बेचारी को? नहीं दे रहे, चल चल आजा, नहीं देंगे धक्के। यार तू कैसा दोस्त है, ये मुझे धक्का दे रहे हैं, लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, और तू कायर कहीं का, और लोग सही कहते तेरे बारे में, तू सिर्फ हवाबाजी वाला लड़का ही है। चल हट, जाने दे अब।
तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। आज फाइनली अपने दिल की बात तो कह ही दूंगा। आई लव यू प्रीति, आई लव यू। This is the best thing ever happened to me. I love you, Preeti. You say